हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग टाइम्स बुक सगीर अहमद बुक का एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड चैप्टर को देखेंगे। एक एक का मतलब होता है एक, ठीक है, यानी कि एक वस्तुओं के मान से वांछित वस्तुओं के मान को निकालने की जो विधि होगा उसी को एक एक नियम कहेंगे। यहाँ पे तरह तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, उन चीज़ों को मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा और क्वेश्चन वाइज बताऊंगा। सबसे पहले एक बेसिक ही समझ लीजिए, इसमें आगे चल के आपको अभी तो फिलहाल नहीं लेकिन आगे क्वेश्चन में मिलेंगे आदमी, दिन और घंटा वाला प्रश्न, तो उसको हम लोग MDH का रूप में उसको समझेंगे। M1D1H1 यानी कि MDH एक मसाला भी आता है, MDH मसाले, तो वही ट्रिक लगाएंगे यहाँ। और M2D2H2 क्वेश्चन में कभी कभी आपको M का मतलब हो जाएगा मैन, D का मतलब हो जाएगा डे और H का मतलब हो जाएगा आवर, ठीक है, यानी कि आदमी, दिन, घंटा। और एक बात, कभी कभी घंटा की चर्चा नहीं करेगा तो आदमी और दिन रहेगा, तो इधर आदमी और दिन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होगा कि इसके अलावा कुछ भी रह सकता है, हो सकता है वो कार्य की बात को करे तो उसके नीचे आप W1 के रूप में दे सकते हो, W2 और W1, ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन गया। इसी से सारे सवाल उधर आगे बनाएंगे। फिलहाल देखिए अभी यूनिटरी मेथड से इनके एक एक नियम में जो भी पहला क्वेश्चन होगा आपका वो मैं सॉल्व कराता हूं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि यदि 25 खिलौनों का मूल्य 385 रुपया हो तो ऐसे 33 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको 25 खिलौनों का मान दिया हुआ है, 25 खिलौना का मूल्य कितना है 385 रुपया, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, कितने खिलौना का, तो 33 खिलौना, 33 खिलौना का दाम कैसे होगा समझो, तो 33 खिलौनों का दाम हो जाएगा 385/25 गुना 33, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, 5 से कटा लो, 6 25, 5 6 30, 5 7 35, 3 5 7 35, 5 से कटा लो इसको, 5 6 30, 3 बचा गया 0.0 हो जाएगा, 5 6 30, 6.4, इसको गुना करो, 6 7 42 की 2 हासिल 4 बच गया, 6 7 42 और यहाँ से यहाँ गुना, फिर यहाँ से यहाँ गुना, 6 7 42 42 42 84 और 4 88 की 8 हासिल 84 और 4, तो कितना हो जाएगा 88 की 8 हासिल 8 रह जाएगा। उसके बाद 6 7 42 और 8 50, ठीक है, दशमलव हो जाएगा एक अंक के बाद, यानी कि 508.2 यानी कि 20 रुपया आंसर आप दे सकते हैं, 2 अंकों तक दिया जाता है दशमलव के बाद, तो 3 नंबर आपका आंसर हो गया। अब देखो आपको प्रॉब्लम यहाँ हुआ कि इसको गुना कैसे किया जल्दीबाजी में, तो वो चीज़ सीख लो, 77 गुना है 6.6, सबसे पहले क्या करोगे इसको इससे गुना करना, क्या होगा 6 7 42 की 2 लिखना, हासिल आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर इससे इसको गुना करना 6 7 42 और फिर पीछे आके इधर से इसमें गुना कर देना 6 7 42 42 84 84 4 88 की 8 हासिल रह जाएगा 8, फिर इसी से लास्ट को गुना कर देना 6 7 42 और 8 50, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दे देना, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक टैंक को पूरा भरने के लिए 20 बाल्टियों की जरूरत होती है, जबकि बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है, यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए तो उस टैंक को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। देखो 20 बाल्टियों की क्षमता 13.5 है तो 9 बाल्टियों की क्षमता क्या होगी, यानी कि वही MD वाला फॉर्म में चलना है आपको, यहाँ पे MD बराबर MD, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि हमको दिया है इस मैन के जगह पे 20 बाल्टी दिया है, तो 20 बाल्टी कितना क्षमता है उसका, क्षमता है 13.5 लीटर की क्षमता है, ठीक है 13.5 लिख दिए बराबर। आगे कहता है क्या कि यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर है तो कितना बाल्टी, अगर 9 क्षमता है तो कितना बाल्टी, तो बाल्टी को B2 मान लो, ठीक है, ये फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये तो एक तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को लिखने का। अब देखो 9 से कौन भाग लगेगा, देखो 3 1 4 5 9, अगर इसका योग 9 हो रहा है तो 9 से भाग लग जाना चाहिए, 9 से लगा लो, दशमलव से डरना नहीं है, आप डायरेक्ट भाग लगाओ, बाद में दशमलव जितने अंक के बाद है लगा देंगे, तो 9 1 9 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 9 5 45, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1.5 हो गया, अब भी गुना कर दो, 20 × 15 कर दो, तो 0 पहले लिख दो, अब 15 × 2 = 30 और दशमलव एक अंक के बाद है लगा दो, यानी कि बराबर 30 लीटर का आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा, कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी, 30 बाल्टी हो जाएगा, ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आ चुका है। कितना समय लगा? 10 सेकंड, 5 सेकंड। ये बहुत आसान क्वेश्चन था आपका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है, तो एक बाल्टी को 12 बाल्टी भर सकती। यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर हो तो टंकी को कितने बाल्टी भर पाएगी? बिल्कुल वही क्वेश्चन है ना, आप उसी तरह बना लो। MD फॉर्मूला में 13.5 लीटर है और एक टंकी की क्षमता यानी कि टंकी को 12 बाल्टी भर पाती है, यानी कि 13.5 × 12 कर दो और बराबर, यानी कि वही फॉर्म है MD = MD। ठीक है, ये आपको लिखना है इस तरह से M1D1 M2D2। ठीक है, H नहीं है, घंटा के बाद नहीं। अब देखो आदमी और दिन नहीं है तो क्या, लेकिन उसी तरह से ये बता रहा है कि 13.5 लीटर क्षमता है और उसको उस टंकी को 12 बाल्टी भर पाती है यदि बाल्टी। अब देखो यदि यानी कि वही बात बोल रहा है, इधर की बात को दूसरे तरह से वो करना चाह रहा है कि नहीं 9 क्षमता अगर हम रखेंगे तो कितना बाल्टी चाहिए, तो गुना D2 यानी कि B2 कितना बाल्टी चाहिए, तो B2 20 से बाल्टी कर लो। अब देखो 9 से ये कटाए थे हम लोग, 9 × 9 = 9 5 = 45, 1.5 आया, गुना कर दो इसको, 15 × 2 = 30 की 0 हासिल 3, 15 × 15 = 3 = 18, यानी कि 0.1 अंक के बाद लगा दो, यानी कि 18 बाल्टी चाहिए। तो कितनी बाल्टी चाहिए? 18, तो 18 बाल्टी आपका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ दिक्कत है क्वेश्चन में, बहुत आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 349 नारियलों का मूल्य 2181.25 रुपया हो तो 26 दर्जन नारियलों का मूल्य लगभग कितने रुपये होंगे, लगभग की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले 349 नारियलों का मूल्य कितना दिया है, 2181.25 दिया है, तो एक नारियल का मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2181.25 और बटे लिख देना, भाग दे देना 349 से। ठीक है, यही तो है एक एक नियम, एक का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि तो 26 दर्जन, तो 26 दर्जन गुना 26 और एक नारियल यानी कि एक एक नारियल में बदल दो टोटल, क्योंकि आप एक नारियल का यहाँ मूल्य रखे हो, तो इसको 12 से गुना कर दो। ठीक है, एक दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24, तो इसी तरह 26 दर्जन में 26 को 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कहता है क्या उसका जो मैंने कि नारियलों का जो मूल्य लगभग कितना होगा, तो हमको इसको सॉल्व करना है। टेंशन तो है यहाँ पे कि इसको 10 मल्ला बुढ़ाएंगे गुना 100 लिखेंगे। ठीक है, जो कट रहा है कटा लो, इसको कटा लो 4 से, 4 × 3 = 12, 25 × 100, देखो यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, इसको 25 से कटा लो, 25 × 100, तो 25 × 8 = 200, 8 बार में यह भाग लगा 200 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, 18 × 3 = 181 हो गया, 25 × 5 = 125 हो जाता है, 25 × 150 = 175, 25 × 7 लगा लो 175, क्या अगर 25 × 8 लगाएंगे तो 25 × 100, 25 × 8 = 200, 25 × 7 लगा लो, 25 × 7 कितना हो जाएगा 175, तो 175 कितना बचेगा, 11 में 5 = 6 बच जाएगा और यहाँ पे खत्म, तो 62 हो गया, 25 × 50, 2 बार में लगा लो, 25 × 50 60, 62 12 बचा, 12 बच गया तो 125 हो गया, 25 × 5 = 125, ये तो कट गया 87 × 25, अब इससे इसको कटा लो। ठीक है, यानी कि कितने बार में खाएगा ये, तो 2 बार खिला लो, 3 × 2 = 600 है ना, 2 बार में खिला लो, तो 2 बार में इतना खिला दिया, कितना बचेगा, तो 872 में हम घटा लेते हैं इसको, 2 से गुना कर लो, 9 × 2 = 18, 8 + 1 = 1, 4 × 2 = 8 = 1, 3 × 2 = 1 = 7। ठीक है, तो 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, 8 × 4 = 12, और 16 में 9 जाएगा, क्या बचेगा 7, और यहाँ पे 7 में 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 × 2 = 18 = 1, 4 × 2 = 8 = 1, 3 × 2 = 6 = 6 होगा ना। ठीक है, 9 × 2 = 18 = 1, 4 × 2 = 8 = 1, 3 × 2 = 6। अब देखो अब यहाँ पे घटा लो तो ये हो जाएगा आपका 12 में 8 = 4, 16 में 9 = 7, यहाँ 7, 7 में 6 = 1, 174। अब यहाँ से उतार लो इस पाँच को उतार लो, यहाँ हो गया। अब इस 9 को किससे गुना करें कि इकाई को 5 मिल जाए, तो 5 से गुना करना होगा, तो 5 से गुना करते हैं, देखते हैं ये मिल रहा है, 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 5 × 20 = 24 की 4 हासिल 2, 7 × 5 = 35, 36 × 37 की 7 हासिल 3, 5 × 3 = 15, फिर से गुना करो गलती हुआ, 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 5 × 20 = 24 की 4 हासिल 2, 5 × 3 = 15 और 2 = 17। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये कट गया, तो कितने बार में 5 बार में कटा, यानी कि यहाँ 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 25 अगर हो गया तो अब इसको गुना करो। ठीक है, तो 25 तिया कितना हो जाएगा 175,
175 कर लो, या फिर हाँ सबसे अच्छा क्या होगा, ये तो पूरी तरह कट गया, हमको ये सोचना है कि 26 दिया कर लो, 6 3 18 18 6 1 3 2 6 और 1 7 78 × 25 कर लो, क्या हो जाएगा 25 8 220 बचेगा, 25 7 कितना होगा, 25 7 175, 175 और 20 कितना हो जाएगा 70 80 90 195 हो जाएगा, ठीक है, देखिए 99 रुपया आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो नहीं दिया है लेकिन लगभग की बात कर रहे हैं, तो लगभग में इसको 2000 हम मान सकते हैं, ठीक है, ये आपका 2000 रुपया लगभग में दिया है, तो लगभग यही मान हो जाएगा आंसर, ठीक है। टेंशन तो है, कटाना तो पड़ेगा, क्या करोगे, देखो कटाने में काफ़ी परेशानी तो है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रैक्टिस रखते हो तो बना सकते हो, 3 से कटाए फिर यहाँ 25 से कैसे कटाए, ये 25 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 25 है, और फिर इससे ये कटेगा ही कटेगा, आप इधर इसको डायरेक्ट भाग देके करना बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है वही बात हो गया, यानी कि यहाँ पर तो आपको MD का फॉर्म यानी कि फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि यहाँ पे घंटी की बात नहीं है, ठीक है, आदमी और दिन है, तो कहता है कि 20 व्यक्ति, तो 20 व्यक्ति कितना दिन में काम करता है, किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो गुना 20 अब बराबर लगा दो। अब आगे कहता है क्या कि 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, वही कार्य है तो 25 आदमी लगाएंगे तो कुछ तो कम होगा, यानी कि D2 कर दो, अब इसको कटा लो, 5 6 25 5 4 20 5 4 20 4 4 16 16 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, और 16 आपका 3 नंबर आंसर हो गया, तो 5 नंबर बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सके तो 20 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काट सकेंगे। देखो 16 वही आदमी और दिन वाला बात हो गया, यहाँ पे MD = MD, घंटा नहीं तो घंटा नहीं है। आगे देखो 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में, तो 16 × 30, ठीक है, 16 व्यक्ति मैन की जगह डी की जगह 30 बराबर, ठीक। अब कहता है कि 20 व्यक्ति दे दो कितने दिन में, D2 कटा लो। देखो कभी कभी क्या पूछेगा, अतिरिक्त दिन, वो ध्यान में रखना, फिलहाल तो ऐसा ही नहीं पूछ रहा है, अगर पूछेगा तो आपको बता दूंगा। 5 6 20 5 6 30 5 से दोनों कट गया, 4 से कटा लो, 4 6 16 6 6 24 यानी कि 24 आपका दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर सवाल हम लोग का बन गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 8 आदमी या 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त करने में कितने समय लेंगे। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या बोला है, 8 आदमी या 12 लड़के कितने दिन में करता है, 25 दिन में, या तो आप 8 मैन को लगा लो या फिर 12 बॉय को लगा लो, दोनों बराबर है, दोनों की क्षमता बराबर हो गया, 8 मैन के बराबर है मेरा 12 बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि दोनों मिलके अगर 8 आदमी को लगा दो या फिर 12 लड़का को मिला दो, कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है, ठीक है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन बोला है यहाँ पे या बोला तो इसलिए हम बराबर का चिन्ह दे दिए, ठीक है, या में बराबर देना है। अब कहता है कि 6 आदमी तथा 11 लड़के, तो 6 आदमी जो बोल रहा है ना यहाँ पे, समझना इस जगह हम लिख रहे हैं 6 आदमी 6 मैन तथा, ठीक है, 11 लड़का, यानी कि दोनों को मिला देंगे, 11 लड़का मिलके कितना दिन में करेगा, यानी कि वाट डे, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, देखो यहाँ से 6 मैन को ना लड़का में बदल दो, ठीक है, और इस जगह मैन के जगह पे कितना लड़का लगाएंगे, देखो 8 आदमी के जगह पे हम लगा रहे हैं 12 लड़का, तो 6 आदमी की जगह कितना लगाएंगे, तो हम लोग 6 आदमी की जगह लगाएंगे 12/8 × 6, ठीक है, 4 × 2 = 8, 4 3 = 12, 2 3 = 6, 3 3 = 9, यानी कि 9 बॉय लगाना होगा हमको, यानी कि यहाँ पे 9 बॉय हम लिख सकते हैं, यानी कि 9 बॉय प्लस 11 बॉय हो जाएगा, कितना बॉय, 20 बॉय, ठीक है, यानी कि 20 बॉय हमारा लगेगा। अब देखो अब यहाँ से 8 आदमी या 12 लड़का 25 दिन में करता था, तो हम बॉय में गए हैं, लड़का में घुसे हैं, तो 12 लड़का कितना दिन में करता है, 25 दिन में, यानी कि ये M हो गया और ये मेरा D हो गया, फॉर्मूला के अनुसार M हो गया, तो 12 × 25, ठीक है, और बराबर। अब कहता है कि 20 लड़का कितना दिन में करेगा, तो × D2, क्योंकि यहाँ तथा बोला था, तो 6 आदमी के बदले हम 9 लड़का लगा सकते हैं, कटा लो, 5 6 20 5 6 25 4 3 = 12 5 3 = 15 यानी कि 15 मेरा आंसर हो जाएगा, 15 दिन, ठीक है,
ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। आपको इक्वल में अगर दिया रहे तो इधर का एक मान को बराबर करके उसके जगह ले जाके जोड़ देना, और उसके बाद यहाँ का 25 दिन इसके साथ संबंध स्थापित कर देंगे, और इसका चूंकि जोड़ा हुआ भाग हो जाता है 20 गुना D2, तो सॉल्व कर देंगे क्योंकि सारे एक प्रोसेस में आ गया। ठीक है, यहाँ भी लड़का, ये भी लड़का हमारा हो गया और दिन हो गया, उधर भी लड़का और दिन हो गया। ठीक, चलिए। हाँ, आप बराबर कर सकते हैं, हो सकता है आप कहेंगे कि ना हम 11 बुआ के बराबर कितना आदमी लगेगा वो करेंगे, तो वो भी आएगा, उस तरह भी बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, यदि टंकी को केवल 4 घंटे में ही भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में कहता है कि 14 पंप, देखो पंप भी तो काम कर रहा है, पंप भी हमारा क्या है, काम करने वाला आदमी है, यानी कि काम करने वाला एक मशीन है, तो उसको हम लोग MD के फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक है, एम्पोर या मशीन समझ लो। ठीक है, बराबर MD। ठीक, देखो यहाँ 1 होता है 1, यहाँ 2 2, उतना कितना 1 बन देंगे, आप समझ जाना ये सब चीज। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कितना मशीन दिया है, 14 पंप, पंप मशीन ही समझो, गुना कितना दिन दिया है, 6 घंटा बोला है, तो D के जगह हो सकता है आप यहाँ MH लिख सकते हो। ठीक है, उससे कुछ जरूरी नहीं है, हम लोग को समझ में आ रहा है कि फॉर्मेट वही जाएगा। ठीक है, बराबर में ही, तो 14 गुना कितना घंटा है, 6 घंटा है ना, 6 घंटा भर सकता है, बराबर दे दो। अब कहता है कि यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना हो तो कितने अतिरिक्त, मतलब कि एक्स्ट्रा कितना लगाना होगा, वो मैंने रखता है यहाँ पे, अतिरिक्त वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमको फिलहाल M का तो पता नहीं कितना लगाना होगा, लेकिन कितना घंटा भरना है, 6 घंटा में 6 6 कट जाएगा, कितना हुआ 14। ठीक है, कितने 4 घंटे बोला है, सॉरी यहाँ पे 4 बोला है, तब तो नहीं कटेगा ना, ऐसे कटाओ, 2 2 4 3 2 6, इसको घटा लो, 2 7 14 7 21, यानी कि मशीन की जरूरत पड़ जाएगा 21। क्यों? क्योंकि आप 4 घंटा में उसको भरना चाहते हैं, जल्दी भरना चाहते हैं, तो ज्यादा मशीन लगाइए। ठीक है, अब अतिरिक्त कितना मशीन होगा, अतिरिक्त मशीन हो जाएगा 21 माइनस, पहले 14 लगा रहे थे, ठीक है, ज्यादा कितना लग गया, 7 7 मशीन। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, और ये आंसर क्या नंबर, 1 नंबर ऑप्शन होगा। फिर से समझो क्या हुआ, 14 मशीन लगा रहे थे, 6 घंटा भर रहे थे, कहता है कितना अतिरिक्त मशीन लगाए कि 4 घंटा भर जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, देखो बाबू अगर 4 घंटा में भरना है तो ज्यादा मशीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा लगाए तो 21 मशीन लगाना पड़ा, अब कितना अतिरिक्त लगाना, एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ा, पहले 14 लगा रहे थे अब 21 लगा रहे थे, कितना ज्यादा लगा रहे थे, 7 ज्यादा लगा रहे, तो 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं था, यही समझ में आ जाएगा कि 7 ज्यादा, अतिरिक्त पे ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टंकी को, टैंक को 7 दिन में भरते हैं, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता है। वही बात हो गया, देखो 15 × 7 = 5 × D2, 5 × 15 = 21, 21 पंप लगाना होगा हमको ज्यादा, अब अतिरिक्त बोला है तो 15 में 21 घटा दो, यानी कि 21 में 15 घटा दो, 6 पंप आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं समझे वो देखो, देखो ये तो मौखिक बना दिया, कितना पंप है 15 पंप, कितना दिन में 7 दिन में, तो 15 × 7। ठीक है, ये हमारा M का काम किया और ये हमारा D का काम किया। ठीक है, बराबर, फिर बराबर MD, फिर देखो गुना में, अब आगे कहता है कि कितने, यानी कि 5 दिन में भरने के लिए कितना अतिरिक्त, तो हमको पता नहीं है 5 दिन में कितना पंप लगाएंगे, तो गुना दे दो यहाँ पे 5। ठीक है, 5 से घटा लो, 5 × 15 = 21, यानी कि कितना पंप लगाना पड़ रहा है हमको, ज्यादा पंप ही ना बोला है, हाँ तो 21 पंप हमको लगाना पड़ रहा है, तो अतिरिक्त पंप कितना हो जाएगा, अतिरिक्त पहले कितना लगा रहे थे, पहले 15 लगा रहे थे, यानी कि 21 माइनस 15 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6 6 पंप हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये तरीका होता है बनाने का, कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपया प्रति सप्ताह कमाए, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपये कमाएंगे। देखो यहाँ आपको डर लगा होगा प्रति सप्ताह देख के, ठीक है, उससे नहीं डरना है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा इक्वेशन के दोनों तरफ प्रति सप्ताह ही बोला है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होता है, समझ जाएंगे, प्रति सप्ताह बात एक ही है। अब समझो बराबर,
छह व्यक्ति आठ घंटा दिया, ठीक है, तो छह आदमी लिख दो और घंटा को भी साथ में लिखना, एमडीएच के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आठ घंटा यहाँ चला गया, क्योंकि हम बताए थे आपको एमडीएच साथ रहता है, चाहे उसमें अगर एक नहीं भी रहे ना, अगर डी नहीं भी रहे तो समझ जाना घंटा रह सकता है, अगर घंटा ना रहे तो आदमी दिन रह सकता है, ठीक है, और अगर आदमी ना रहे तो दिन घंटा भी रह सकता है, ऐसा समझ लो। तो देखो छह गुना आठ कर दिए, और इसके अलावा कुछ भी रहे, आदमी दिन घंटा के अलावा कुछ भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दे उसको नीचे डाल दो, ठीक है, कितना दिया 840 रुपया इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि प्रति सप्ताह कमाए, तो 9 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितना रुपया कमाएंगे, तो रुपया देना है, तो हमको ये हमारा रुपया था R1 था, ये इधर R2 लिख देंगे नीचे में, फिलहाल 9 व्यक्ति है 6 घंटा है, तो 9 गुना 6 और बटे लिख देंगे R2। अब इसको कटा लो, 6-6 कट जाएगा, ठीक है, आठ से कट जाएगा, आठ का आठ जीरो, आठ पंचे चालीस, 105, 9 से गुना कर दो, क्रॉस गुना होता है ना, तो आर टू बराबर हो जाएगा, यानी कि दूसरा रुपया हो जाएगा, 9 पच्चे 45 की 5, हासिल 4, 5 गुना जीरो जीरो 4, 9 गुना जीरो और 9 का 9, 945 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, 9 का 905, 9 पच्चे 45, ठीक है, और दो नंबर आपका ऑप्शन है 945, क्लियर है, तो ऐसे बना सकते हो 10 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपया अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि होगी। आपको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आप बना सकते हो, बना लो, वीडियो पॉज करो, खुद बना के देखो, ठीक है, क्योंकि 6 व्यक्ति 8 घंटा है, तो वही एमडीएच की बात करेंगे, तो 6 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन प्रति सप्ताह 8400, 6 गुना 8 कर दो, आदमी दिन घंटा ऊपर रहेगा हमेशा याद रखना, और उसके अलावा जो कुछ भी रहेगा उसको नीचे डाल दो, 8400 नीचे चला जाएगा बराबर। आगे कहता है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो 9 व्यक्ति कितना घंटा, 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, क्या कहता है कार्य करके कितना रुपया अर्जित करेगा वही प्रति सप्ताह, तो आर टू लिख दो। अब इसको कटा लो, देखो कट जाएगा, 6-6 कट जाएगा मेरा, ठीक है, ऊपर भी 6-8 है, नीचे भी 9-6 है, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी कटा लो, 8-1 8, चार नहीं कटेगा तो जीरो डाल के 40 कटा देंगे, 8-5-40 और जीरो। अब इसको गुना कर दो, 9 गुना 0 0, 9-5-45 की 5, हासिल 4, 9 गुना 0 4, 9 का 9, 9450 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ प्रॉब्लम हुआ, आसान तो है, ठीक है, 9450 तीन नंबर ऑप्शन है आपका, तो 11 क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके खेत को 48 दिन में जोतते हैं, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। इस बार एमडीएच का फॉर्मूला पूरा लगेगा आपका, ठीक है, यानी कि MDH क्या होता है, आदमी दिन घंटा MDH दोनों तरफ लिख दिए। अब इधर कितना आदमी दिया, 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 48 दिन में, ठीक है, तो 16 गुना, देखो आप डी आर एच अगर इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीरियली लिखो क्वेश्चन में जो जो मिल रहा है, 16 गुना 7 गुना कितना दिन है, 48 दिन, ठीक है, ऐसा हो सकता है, डी का मान इधर एच का मान इधर होता है, कोई गलती नहीं होता है, आप समझ सकते हो इस चीज को, क्योंकि 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो, बात एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में, दिन निकालना है तो आप डायरेक्ट लिखते दो 14 गुना 12 और गुना डी टू लिख दो, दिन जो निकालना है इधर डी टू, दूसरे तरफ का दिन निकालना है। अब कटा लो इसको, बरचोक देखो कट रहा है, बरचोक 48, 7 दुना 14, दूसरे कट गया 2-8-16, 8-4 32, 32 दिन मेरा आंसर आएगा, ठीक, और 32 दिन तीन नंबर आंसर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सके, तो 30 व्यक्ति ऐसे 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकेंगे। वही एमडीएच फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे तो कोई मीटर की बात किया, मीटर की बात रहे या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एमडीएच के अलावा रहे, एमडीएच के अलावा कुछ भी रहेगा तो उसको नीचे डालना है डब्लू के रूप में, ठीक है, और एमडीएच बराबर डब्लू, ऐसा ये 1 और ये 2 ऐसा समझ लो। अब क्या कहता है, 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में, ठीक है, देखो आदमी दिन दिया है तो आदमी और दिन में ही रखेंगे, घंटा से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे घंटा नहीं रहेगा तब, ठीक है, तो कितना दिया है, 18 आदमी 42 दिन, तो 18 आदमी लिख दिए ऊपर में, दिन के जगह 42 लिख दिए, बटे डब्लू यानी कि कार्य कितना करता है, 140 मीटर लंबी दीवार 140 लिख दो नीचे में बराबर। आगे फिर बोलेगा तो 30 व्यक्ति ऐसी 100 मीटर यानी कि 30 आदमी की जगह रख दो, 30 गुना ऐसी 100 मीटर 100 नीचे रख दो,
क्योंकि मीटर वाला चीज नीचे जाता है, डब्लू में वो आएगा मेरा। और कहता है कि 100 मीटर दीवार को कितने दिन में, तो डी टू निकालना, यहाँ डी टू रख दो, ठीक है। सॉल्व करो, आंसर पाओ। देखो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 3 से कटा लो, 3 6 18 कटा लो, 14 से कटा लो, 14 3 42 कटा लो, 6 3 18 18 दिन मेरा आंसर होगा, 18 दिन है, एक नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा लॉजिक तो है। अब देखो कैसे बनाओगे इसको। कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, देखो आदमी को ऊपर रखो, गुना दे दो, अब उसके बाद दिन अगर कहीं मिलेगा तो देना, लेकिन नीचे अब जितना मीटर वाला बात है नीचे जाएगा। 100 मीटर लंबी तो 100 लिख देना, ठीक है। आगे कितना मीटर, फिर 50 मीटर चौड़ी तो 50 लिख देना, फिर आगे क्या बोला है, 50 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी गुना 10 लिख देना, ठीक है। सारे नीचे चल जाएगा। गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकता है, देखो दिन दिया तो 10 दिन दे दिए, आदमी गुना 10, ठीक है। यानी कि MDH का फॉर्मूला लग रहा है, बात को समझ लो। आगे फिर कहता है क्या कि तो यही व्यक्ति कौन, वही व्यक्ति, वही एम व्यक्ति, तो एम का एम डाल दो, गुना कर दो, ठीक है। यही व्यक्ति 30 दिन में, 30 दिन है तो 30 दिन लिख दो, बटे दे दो। आगे जरूर वो बोलेगा 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी खाई को, देखो यहाँ पर जो था ना हमारा क्या क्या था, 10 मीटर गहरी और 10 दिन में, यानी कि 50 मीटर चौड़ी, पहले 100 मीटर लंबी, ये लंबी था, ये चौड़ी था, और ये मेरा गहरी था। 50 मीटर चौड़ी था, ब्रेड चौड़ी, और ये गहरी था, गहरी को गहरी लिख दो ऐसे, ठीक। अब हमारा यहाँ पे आगे क्या मिल रहा है कि 30 दिन में, ठीक है, 25 मीटर चौड़ी दिया है, लंबी नहीं दिया है, तो लंबी को एल रख दो, और कितना चौड़ी दिया है 25 मीटर, यहाँ 25 रख दो, ठीक है। और 25 तथा 15 मीटर गहरी गुना 15 दे दो, ठीक है। ये हमारा फॉर्म में बैठ गया, हम ये एल खोज रहे थे, यहाँ क्या बैठेगा, इस तरह से लिखने से हमको समझ में आ गया। तो आप जब एग्जाम में बनाओगे तो एल भी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। गहरी को डीप बोल सकते हो, डीप, और नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब क्या करो, इसको कटा लो। देखो एम एम तो कट ही जाएगा, तो एम तो निकलेगा ही, एम एम तो खत्म हो गया ना, हमको लंबाई से मतलब है। अब देखो ये 0 0 कटा लो, ऊपर ऊपर कटता है, और यहाँ पे 25 से कटा लो, 25 2 9 50 कटा लो, ठीक है। और 15 से कटा लो, 15 से कौन कटेगा, 5 से कटा लो, 5 3 15 5 2 9 10, ठीक है। 3 से कौन कटाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, 25 2 9 50 5 से कटाए ना, 5 2 9 10 5 3 15, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 × 2 2 × 2 400 मेरा हो रहा है, हाँ 3 यहाँ बचा है ना, ये 3 3 कट गया, ठीक है। तो 400 मेरा आंसर आना चाहिए, 400 मीटर, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, क्लियर है। तो आसानी से कटता है, आसान है, बहुत ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बना सके, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बना सकेंगे। आदमी दिन घंटा बटे W1 वाला फॉर्मूला में आप लोग को बनाना है। MDH बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आपका हो सकता है हर क्वेश्चन में दिमाग खराब ना हो और समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। अब हमको आदमी दिन घंटा चाहिए, 12 बढ़ई है और गुना कितना दिन दिया है, 6 घंटा है और 24 दिन है, तो 6 24 कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखो ना, आप ऐसा समझना घंटा ये लिख दिया, 24 इधर लिख दिया, और बटे W460 कुर्सी, नीचे 460 लिख दो। देखो आदमी दिन घंटा के अलावा कुछ भी रहे नीचे लिखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ, 18 बढ़ई 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी, 18 8 36 ऊपर लिख दो, 18 × 8 × 36 और बटे लिख दो नीचे W2, और इसको सॉल्व करो, आंसर पाओ। कैसे करोगे, 8 से कटा लो, 8 3 24, 6 से कटा लो, 6 3 18, 12 से कटा लो, 12 3 36, 3 और 3 कट गया, ठीक है। अब इसको गुना कर दो क्रॉस, आंसर आ जाएगा W2 बराबर 6 3 × 0 0, 6 3 18 1 8 4 12 1 13, 1380 आंसर है, 1380 4 नंबर ऑप्शन हो गया, हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो 15 नंबर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का एक बटा 4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके। वही क्वेश्चन है, आसान है, आपको डर लग रहा होगा देख के। देखो हम बताते हैं कैसे बनाना। 400 आदमी 9 घंटा कार्य करके 10 दिन में एक बटा 4 भाग, तो वही बात हुआ MDH ऊपर लिखो। 400 आदमी कितने दिन में, 9 घंटा 10 दिन, 9 घंटा पहले लिख दो 10 दिन, और कितना काम करता है जो भाग कर रहा है एक बटा 4 भाग वो नीचे लिख दो, ठीक है, एक बटा 4 भाग, फिर बराबर दे दो। आगे पढ़ो क्वेश्चन पे, फिर कहता है क्या कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए। देखो यहाँ पे अतिरिक्त आदमी लगाने की बात कर रहा है, यानी कि 400 आदमी है या और कितना लगा दे, तो 400 में ना प्लस कर दो M, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे कितना अतिरिक्त आदमी लगाए तो उसमें जोड़ देना कुछ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस चाहिए आपको। आगे कहता है कि तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में समाप्त कर सके शेष कार्य को 20 दिन में, तो 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करना है, ठीक है, और एक चीज दिया है 20 दिन में दिया है और शेष कार्य दिया। शेष कार्य का मतलब एक बटा 4 अगर कर दिया तो शेष कार्य कितना बचेगा, हम इधर निकाल देते हैं। शेष कार्य क्या रूल होता है, 1-1/4, तो क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि 3/4 आप लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 4-4 मेरा कट जाएगा, अब यहाँ से कटा लो, 8 × 5 = 40, 50, ठीक है, और 0-0 कटा लो और 2 से कटा लो इसको 25, ठीक है, 25 × 9 कर दो, 25 × 9 कितना होता है, 25 × 9 हो जाएगा, 25 × 9 = 225, ठीक है, क्योंकि 2500 × 250 होता है, तो 225 ये हो गया, और इधर का एक गुना 3 यहाँ पे कर लो, गुना 3, ठीक है, अब बराबर लिख देना 400 + M, ठीक है, क्योंकि उधर तो अब कुछ बचा नहीं, अब यही बचा है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 5 × 15 = 5, 3 × 6 = 7, 375 - 400 कर दो, तो M बराबर निकलेगा मेरा, क्योंकि इसको इस पार ले आएंगे, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा, 675 में 400 जाएगा तो क्या बचेगा, 275, 275 मेरा आंसर हो जाएगा, 275 आदमी एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका है 16 नंबर आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि 21.25 रुपया में 80 लैंप 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक जलाए जा सकते हैं, तो 76.50 रुपया में कितने लैंप 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाए जा सकेंगे। आसान क्वेश्चन है, आप क्या करना, देखो आपको वही रूल अपनाना है MDH का फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि आदमी दिन घंटा में, यहाँ पे लैंप काम करेगा 5 घंटा 10 दिन तक, ठीक है, तो आदमी जगह लैंप रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, और जो पैसा रुपया जो दिया नीचे रख लेना, ठीक है, तो 80 लैंप है, तो 80 लैंप को 80 लिख दो, गुना दे दो, ठीक है, फिर कितना दिया 5 घंटा 10 दिन, 5 घंटा 10 दिन, तो MDH ऊपर रहेगा, ठीक है, काम करने वाला जो आदमी रहता है, जो क्रिया रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है वो ऊपर कर दो, ठीक है। आगे देखो कितना पैसा लगता है उसमें जलाने में, इतना 21.25 ये रख दो यहाँ पे, फिर बराबर दे दो। आगे फिर क्या कहता है कि 76.50 रुपया में, तो वो तो नीचे चला जाएगा, 76.50 हम चलो रख देते हैं नीचे, पढ़ते जाओ रखते जाओ, और उसके बाद कितने लैंप 4 घंटे में प्रतिदिन 30 दिन तक, 4 घंटा 30 दिन और कितने लैंप, लैंप को L2 मान लो, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, देखो दशमलव यहाँ उड़ जाएगा, दोनों तरफ बराबर है, देखो इधर भी 50 है और इधर सॉरी 25 है और इधर 50 है, ठीक है, 25-50 है ना, हाँ, अब इसको कटा लो, 25 ही कटा लो इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखो 25 × 4 कितना, 125 × 8 = 200, 12 × 25 = 125, यहाँ से कटा लो, 25 × 3 = 75, 1 × 15 हो गया, 25 में 15 नहीं आएगा, 0 लगा के अगला 0 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 150, 25 × 150, 25 × 125, 25 × 150, 306 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कटा लो इसको, 0 कट जाएगा, 3 से इसको कटा लो, 3 × 3 = 0, 3 × 2 = 6, 102 हो गया, और इसको कटा लो 17 × 17 = 75, 17 × 102 कटा लो, 17 × 6 = 73 से, 4 से इसको कटा लो, 4 × 2 = 8 = 20, इसको गुना कर दो क्रॉस गुना, L2 निकल जाएगा, 14 × 12 = 120, 120 लैंप मेरा आंसर होगा, तो कैलकुलेशन तो है लेकिन बन तो रहा है जल्दी, 120 दो नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो 17 नंबर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है
कि 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखो बात को समझो, वही है आदमी दिन घंटा वाला क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन लग रहा है, देखते बना के। 60 व्यक्ति को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 32 दिन किया। देखो 60 आदमी कितने दिन किया, 32 दिन, 60 × 32, ठीक है। और कितना काम किया, 2/3 किया, तो बट्टे 2/3 नीचे लिख दो, बराबर। आगे क्या कहता है, अब कहता है क्या, 32 दिन किया मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त किया, शेष कार्य को समाप्त करने हैं तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखो अभी तो 32 दिन ही किया ना, अब 62 दिन में करना था तो 62 में 32 दिन कर दिया तो कितना बचा, 30 दिन। यानी कि 30 दिन कितना आदमी लगेगा हमको नहीं पता, लेकिन शेष कार्य क्या होगा, देखो शेष कार्य हम फिर यहाँ निकालने सिखा रहे हैं आपको, क्या करना, 1 − 2/3 करना, तो 3 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3, यानी कि 1/3 काम मेरा शेष कार्य बचा। 3 कटा लेना, ठीक है, 30 × 2 देखो 60 हो गया, ठीक है, 2 कट गया, तो m का मान कितना है, 32, यानी कि m बराबर 32, यानी कि 32 आदमी चाहिए हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है 18 नंबर, क्लियर है। क्या करना है, वही बात, 62, देखो बात को समझो, 62 दिन में समाप्त करना था, अब 32 दिन तक मिलकर किया, अगर 62 दिन में करना था, 32 दिन कर दिया, तो अब जो काम बचा है वो दूसरा आदमी कोई करेगा, तो 60 आदमी, अब 60 × 32 अब बराबर कितना आदमी लगेगा वही चीज को अब करने के लिए 30 दिन में, तो 30 दिन गुना m, ठीक है, सॉल्व करो आंसर पाओ। चलिए 18 हो गया, 19 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाए तो वे पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? आसान क्वेश्चन है, आप क्या करना, देखो समझो, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकता है, तो 21 × 25 करोगे, क्या करना है, MD फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, ठीक है, और फिर MD का ही फॉर्म में लिखेंगे, बराबर दे दो। अब क्या कहता है, कर सकते हैं यदि 14 मजदूर और लगा दिया जाए, देखो पहले कितना मजदूर था, 21 मजदूर, 14 और लगाएंगे तो 21 + 14 करना पड़ जाएगा, ठीक है, अब काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा मेरा, तो पूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यानी कि D2 निकालना हमको, ठीक है। तो अब देखो 21 × 25, अब डायरेक्ट जोड़ के लिख देना, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इस तरह 4 × 1 = 5 और 2 × 1 = 3 35 × D2, ठीक है। अब देखो कटा लो, 5 से कटा लो, 7 से कटा लो, 27 7 × 5 = 35, 5 से कटा लो, 5 × 25 = 25, 5 × 3 = 15, 15 दिन मेरा आंसर आएगा, ठीक है, 15 दिन आपका 4 नंबर ऑप्शन हो गया, 19 बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय ₹450 आता है, तो ₹625 में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? आसान क्वेश्चन है, उसी तरह का है आपको, देखो MDH के फॉर्मूला में ही रखना है सारे चीज को, ठीक है, ये MDH में कैसे रखेंगे, तो 6 बर्नर जल रहा है, यानी कि वो हमारा आदमी का काम कर रहा है, यानी कि काम कर रहा है, 6 × 6 बर्नर 6 घंटा और 8 × 8, ठीक है, उसके बाद बट्टे में लिख देना ₹450 खर्चा, अब फिर बराबर दे दो। आगे फिर कहता है क्या, ₹625 में, तो रुपया नीचे लिखना है, याद रखना, ₹625 में 10 दिन दिया है गुना 10 × 10, ठीक है, उसके बाद 5 घंटा × 5, ठीक है, उसके बाद कहता है कितने बर्नर, तो B2 रख दो, B4 बर्नर, ठीक है, ऐसा कर दो, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ 50 है, 25 से कटा लो इसको, देखो कैसे कटाएंगे, 25 × 50 ज्यादा हो रहा था, 25 घटेगा तो 5 × 5 = 2, यानी कि 200 हो गया, 25 × 8 = 200, ठीक है, और यहाँ कटा लो, 25 × 50 = 50, 60 × 10 = 12 बच गया, 12 × 125 गया, 25 × 125, ठीक है, ये हो गया, इसको कटा लो, 5 × 6 = 25, 5 बार में कटा, इसको कटा लो, 6 × 3 = 18, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, 2 कट गया 8, यानी कि B2 का मान क्या हुआ, बराबर 8 हो गया, 8 बर्नर, ठीक है, 8 बर्नर मेरा आंसर हो जाएगा, 8 बर्नर हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि 40 व्यक्ति किसी रसद को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं, वही रसद 30 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? आपको इस तरह के क्वेश्चन का वही फॉर्मूला बनेगा, आप क्या करना, M1 D1 के फॉर्मूला में ही लगाना है,
आदमी और दिन बराबर आदमी और दिन, ठीक है। तो फिलहाल कितना आदमी है, 40 व्यक्ति, कितने दिन में रसद खत्म करता है, 12 दिन में, 40 गुना 12 बराबर दे दो। आगे पढ़ते हैं तो वही रसद 30 व्यक्ति कितने दिनों में, तो 30 व्यक्ति एम के जगह 30 दे दो गुना डी टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो जीरो जीरो कट जाएगा, 3 से कटा लो, 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी कि 16 दिन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ दिक्कत हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसको 24 दिनों में पूरा करेंगे। आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पता लगाना है कि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में करता है, तो 9 गुना 16, ठीक है, बराबर दे दो। अब कहता है क्या, कितने आदमी उसको 24 दिन में करेंगे, तो 24 दिन में कितने आदमी, तो 24 गुना एम टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कटा लो, 4 चौक 16, 4 छक 24, 3 दुना 6, 3 तिया 9, 2 दुना 4, 3 दुना 6, 6 आदमी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तरीका हो गया बनाने का, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सुरेश एक काम को 15 घंटों में कर सकता है, आशुतोष अकेले उसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, यदि सुरेश अकेले 9 घंटे काम करता है और चला जाता है तो आशुतोष को उसे पूरा करने में कितने घंटे का समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, लेकिन आपको कैसे बनाना है वो मैं समझा देता हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो समझ में आएगा टाइम एंड वर्क में, ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर में। चलो सुरेश से कम को कितने दिन में करता है, 15 घंटे में करता है, एस फॉर सुरेश, और इसके लिए हम लिख दिया 15, ठीक है, घंटा। अब आगे बढ़ते हैं, आशुतोष अकेले उस काम को 10 घंटे में करता है, आशुतोष का लिख दिए 10, ठीक है, दोनों का घंटा है। अब कहता है कि यदि वह 9 घंटा, चलो इतना दूर के बाद, यानी कि यहाँ से एक चीज समझना, इन दोनों का आपको क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम का मतलब जो लेंगे हम वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 15 का टेबल में भी 30 है और 10 का भी टेबल में 30 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है, और इसको भी भाग देंगे, इधर से इसको भाग, इसको भाग, वो क्या निकलेगा, 1 आवर की इफिशियंसी निकलेगा, यानी कि कैपेसिटी निकलेगा, 1 आवर कैपेसिटी, 1 घंटे की क्षमता। अब 1 घंटे की क्षमता कैसे देखो, 15 दुना 30, यानी कि ये 2 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है, ये यूनिट में इसको समझना, ठीक है, यानी 30 यूनिट मेरा काम हो गया, ठीक है, काम करता है ना, तो 30 यूनिट काम हो गया, और ये टोटल वर्क होता है, ठीक। और इससे अगर करवाएंगे तो ये 3 यूनिट हर घंटा में करेगा, ठीक है, 3 यूनिट 10 से 10 या 30, ठीक है। अगर देखो 2 यूनिट अगर करेगा हर घंटा में तो 15 घंटा, यानी कि 30 यूनिट है, तो 2 घंटा करेगा, यानी कि 2 यूनिट करेगा, 2 से अगर 30 को भाग देंगे तो 15 घंटा लेगा, और अगर 3 यूनिट करेगा और 30 यूनिट है तो 10 घंटा पूरा कर देगा। तो सिंपल है ये, इतना दूर तक तो आपको समझ में आना चाहिए। अब कहता है कि यदि सुरेश अकेले 9 घंटा काम करता है, सुरेश अकेला 9 घंटा काम करता है, अब बताओ ये 2 यूनिट हर घंटा करता है, कैपेसिटी उसका 2 यूनिट करने का है, तो 9 घंटा में वो कितना कर देगा, तो सुरेश का काम, सुरेश का वर्क हो गया 2 गुना 9 बराबर 18 यूनिट वो कर दिया। क्यों 18 यूनिट किया, कि 2 यूनिट हर घंटा वो कर रहा है, ठीक है, तो 9 दुना 18 यूनिट कर दिया। अब कहता है कि 9 घंटा करता है और वो चला जाता है, तो आशुतोष उसे अब कितने घंटे में पूरा करेगा, यानी कि आशुतोष का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, तो शेष कितना बचा, शेष कार्य बच गया 30 माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 2 में 1 जाएगा 1 12, ठीक है। तो अब कौन करेगा, आशुतोष करेगा, ये हमारा 12 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है, तो आशुतोष करेगा। आशुतोष जो करेगा ना, तो वो करेगा 3 यूनिट की रफ्तार से, ठीक है, तो 12 यूनिट है और 3 यूनिट की रफ्तार से करेगा, तो 3 से भाग दे दो ना इसको, 3 चौके 12, यानी कि 4 घंटे में वो कर लेगा, घंटे की बात कर रहे हैं, 4 घंटे मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लिखे हैं आपको समझाने के लिए, अगर आप शॉर्ट बनाओगे इसको तो कैसे बनाना वो सिखाते हैं, देखो इतना तो कर लोगे, और ये सब लिखना नहीं, ये सब समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये समझना कि कौन काम कर रहा है, सुरेश कर रहा है, और सुरेश कितना घंटा काम कर रहा है, 9 घंटा काम कर रहा है, सुरेश ऊपर है, यहीं गुना कर देना 9 दुना 18 यूनिट कौन किया, सुरेश किया, बचा कितना, तो 30 माइनस 18 यहीं करके लिख देना, ऐसे ऐसे घटा देना, ठीक है।
ऐसे ही घटाना, 10 में 8 जाएगा क्या बचेगा 2, और 2 में 1 जाएगा 1, 12, और 12 यूनिट कौन करेगा 3 करेगा, ये वाला करेगा, 3 से भाग देना, इसको 3 से भाग दे देना, ऐसे भी दे सकते हो 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी कि 4 घंटे में कर देगा ये, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो, आसान है, ठीक। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो धैर्य रखिए, अगला ये जो चैप्टर होगा इसके बाद वाला चैप्टर टाइम एंड वर्क, वो हम स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ आपको समझ में आएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर आई बटन पे रहेगा, वहाँ से आप देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं, 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। आसान क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो 39 व्यक्ति 5 घंटा, तो 39 आदमी वही MDH के फॉर्मूला में ही रहेगा आपका, बराबर MDH, कैसे वो समझ लो। तो 39 आदमी हो गया, कितना घंटा काम कर रहा है, 5 घंटा, 5 लिख दो घंटा, कितना देर यानी कितना दिन किया, 12 दिन किया, 12, बराबर। फिर आगे बढ़ो, कहता कि 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन, तो 30 गुना 6 घंटा हो गया प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। D2 निकालना है, D2 रख दो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि लगातार रखना है, MDH में इधर उधर हो सकता है। अब कटा लो इसको, देखो यहाँ पे 6 से कटा लो 6 दुना 12, 5 से कटा लो 5 6 30, ठीक है, और कटेगा 2 से कटा लो 2 3 6, 3 से कटा लो 3 1 3, और 3 3 9, आंसर हो जाएगा आपका 13 दिन, 13 दिन 2 नंबर ऑप्शन है, 13 दिन आंसर हो गया, 24 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग द एंड करेंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अलग होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि यदि 7 मकड़ियां 7 जाले 7 दिनों में बुनती है, तो 1 मकड़ी 1 जाला कितने दिन में बुनेगी। आसान क्वेश्चन वही वाला, MDH के फॉर्मूला में बनाना इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। MDH ये इसके अलावा कुछ भी रहता है तो कहाँ रखते हैं, नीचे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 7 मकड़ी, मकड़ी काम करने वाला आदमी हो गया, यानी कि एक तरह का काम कर रहा है, 7 मकड़ी क्या कर रहा है, 7 जाला बुन रहा है, 7 दिन ले रहा है, तो दिन तो ऊपर जाता है 7 दिन, लेकिन जाला जो ले रहा है वो नीचे चला जाएगा, नीचे जाला, ये हमारा जाला है, याद रखना, ठीक है। और आदमी दिन घंटा के अलावा कुछ भी रहे नीचे लिखना, ठीक है, ये हम बता चुके हैं, बराबर। आगे क्या कहता है, तो कहता है क्या, तो 1 मकड़ी 1 जाला, 1 मकड़ी गुना 1 मकड़ी 1 जाला कितने दिन में गुना D2, ठीक है, और यहाँ पे 1 दे दो, ठीक, 1 जाला, ये भी जाला है, ठीक। अब समझो, अब इसी को तो सॉल्व करना है, 7 7 कटा, ठीक है, तो क्या हो गया, D2 बराबर, ये D2 है ना, तो बराबर हो गया 7 दिन बोला है ना, तो 7 दिन, ठीक है, दिनों में आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह भी लोग समझते हैं स्टूडेंट, की 7 मकड़ी 7 जाला 7 दिन में, तो 1 मकड़ी 1 जाला कितने दिन में, तो 7 दिन में, वही आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत कोई इस तरह भी समझ लेता है, लेकिन कॉन्सेप्ट से सीखो, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो कैसा लगा, तो इतना में आज हम लोग रखते हैं, इसका जो अगला पार्ट होगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या फिर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक करके इसके जस्ट आगे 26 नंबर सवाल से देखेंगे, और 26 नंबर सवाल से टाइप 2 का सवाल हो जाता है, यहां तक टाइप 1 था, इसलिए टोटल टाइप 1 का 25 नंबर तक सवाल को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिटरी मेथड का 26 नंबर सवाल को। इससे पहले मैं आप लोगों को 1 से लेके 25 तक टोटल क्वेश्चन बताया हूँ, एक एक क्वेश्चन, अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आई बटन में लिंक होगा, वहां से देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 26 नंबर सवाल कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है, 1 सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए, तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया, कितने दिन तक भोजन चल पाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, आपको जो बेसिक में बताए थे MDH का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन यहां पर जब जाएगा भोजन सामग्री रहेगा तो सबको एक साथ लिखना है, क्योंकि ये MDH से नहीं रिलेटेड है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 200 आदमियों के लिए 24 दिन का भोजन है और कुछ समय के बाद हो रहा है, समय की समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति हो रहा है, ठीक है, कब, 1 सप्ताह के बाद, ये मायने रखता है। तो एक बात बताओ, 200 आदमियों के लिए 200 आदमी का
200 लिख देना, ठीक है। और सोचना कि 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है, ठीक है। हम बोले ठीक है, ये 200 आदमियों के लिए 24 सप्ताह की भोजन सामग्री हम 24 लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जैसे आगे बढ़ते एक सप्ताह की समाप्ति के बाद जो चला गया 200 आदमी के लिए, अगर 24 सप्ताह के लिए भोजन था तो अब जो बचा है वो लिखो ना, एक सप्ताह मेरा जा चुका है तो -1 कर देना आप इसको, ठीक है। क्योंकि जो मेरा अभी प्रेजेंट में है वो मान हमको लिखना है, ठीक है। तो 24-1 यानी कि 23 सप्ताह का बचा है। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक सप्ताह के बाद 80 व्यक्ति और आ गए। देखो 80 व्यक्ति और आ गया और भोजन भी घटा है, तो कुछ भोजन यहाँ पे आएगा। फिलहाल हम बराबर देके यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि इस जगह कुछ मान और बैठाना है, क्योंकि आगे दिया हुआ था, हम पढ़े थे जब, तो आप बराबर दूर में देना। और देखो क्या 80 व्यक्ति और आ गए, तो आगे तो 200 आदमी था, 80 व्यक्ति और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 280, तो यहाँ पे लिख दिए 280 आदमी लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का भोजन प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। पहले जो था ना ये हमारा 900 ग्राम था और अब जो है घटकर हो गया 750 ग्राम, तो 750 लिख दिए। और कहता है हमारा कि हो गया कितने दिन तक भोजन चल पाएगा, तो दिन निकालना है तो D2 निकालना है हमको, इधर D1 इधर D2। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना कि 900 नीचे लिख देना 750 नीचे लिख, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा काम साथ साथ चलेगा इसमें। अब देख लो ध्यान से, अब क्या करोगे 0, अब इसको अच्छे से एक बार फ्रेश से लिख लेना 200 गुना। जब आप एग्जाम हॉल में रहोगे तो समझ जाना कि एक सप्ताह बीत गया, तो डायरेक्ट 23 लिखोगे। अगुना 900 बराबर 280 गुना 750 गुना D2। अब देखो कटाते हैं इसको, हम इसका दोनों जीरो कटा दिया और यहां से दोनों जीरो कटा दिया। 25×8=200 होता है, 25×3=75 होता है, ठीक है। 3 से कटा लो, 3×3=9 कटा लिए, ठीक है। अब देखो 4 से कटा लो, 4×2=8, 4×7=28, ठीक है। अब देखो 23×3 कितना हो गया 69 गुना 2/7 तो नहीं होगा, 7/7 हो जाएगा D2 बराबर। क्या किए 23×3=69, 3×3=9, 3×9=69 और गुना 2/7। अब देखो चूंकि हमको D2 निकालना है ना, हमको दिन निकालना है दिन, और आंसर हमको दिन में दिया है, और ये सब सप्ताह में था, ये हमारा जो था ना 24 ये सप्ताह में था, किस में था सप्ताह में। और दिन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसे बोलेंगे एक सप्ताह कितना दिन, तो 7 से गुना, 2 सप्ताह कितना दिन, दिन निकालना है तो 2 को 7 से गुना कर दो, 7×2=14 दिन। उसी तरह से अगर हमारा सप्ताह में है तो इसको क्या करोगे दिन में निकालने के लिए, गुना कर दो 7 से, 7×7 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9×2=18 की 8 6×12=1 13, 138 दिन हमारा आंसर आ गया, है ना आसान, ऐसे बना सकते हो, कहीं कुछ नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि यदि 24 व्यक्ति 27 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को पूरा करते हैं तो 14 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको क्या करना है, देखो पिछले कॉन्सेप्ट के जैसा है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या फिर आई बटन में, क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा जब आप पिछला वीडियो देखोगे, उसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है 24 व्यक्ति, व्यक्ति को हम लोग मैन बोलेंगे, दिन को डे बोलेंगे, घंटा को आवर बोलेंगे, यानी कि MDH का फॉर्म में बैठा दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। MDH बराबर MDH, क्या बताए थे पिछले सेशन में, MDH मसाला वाला ट्रिक हो गया है ना, तो ऐसा नहीं है, आपको M1 D1 H1 M2 D2 H2 M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, आदमी दिन घंटा वाला, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो नीचे लिख देना, ठीक है, तो बन जाएगा। तो देखो 24 व्यक्ति है, मैन की जगह 24 रख दो, गुना दिन कितना दिया, दिन हमारा दिया है 7 घंटे प्रति 24, देखो 24 व्यक्ति 27 दिन दिया ना, 27 दिन 7 घंटा बराबर, ठीक है। आगे कहता है 14 व्यक्ति 9 घंटा, तो 14 व्यक्ति 9 घंटा कितने दिन में, D2 दिन में, हमको पता नहीं, यही तो निकालना है, कटा लो आंसर आएगा 7×2=14, 9×3=27, 12 से कट, 2 से 12 कट जाएगा, ये 12×2=24 होता है, 12×3=36, यानी कि 36 दिन मेरा आंसर आया, D2 का मान आ चुका है, 36 दिन मेरा आंसर, और 36 दिन आपका आंसर 3 नंबर हो गया, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपभोग 15 दिनों में करते हैं तो 30 व्यक्ति
12 किलोग्राम चावल का उपभोग कितने दिन में करेंगे? बिल्कुल एमडीएच फॉर्मूला में होगा, लेकिन यहाँ केजी रहेगा तो वो नीचे जाएगा, तो आपको एमडीएच का फॉर्म ही लिखना है। तो क्या करना है, 60 व्यक्ति है, 60 लिख दिए, आदमी हो गया, किलोग्राम है 60 किलोग्राम, तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि हम बताए थे आपको एमडीएच का फॉर्म को ही समझना है, इसके अलावा कुछ भी रहेगा नीचे चला जाएगा, W1 W2 जो रहेगा नीचे जाएगा, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। तो 60 हो जाएगा, 60 किलोग्राम चावल 15 दिन में उपभोग करता है, 60 नीचे चला जाएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 40 व्यक्ति बोल रहा है, सॉरी 40 व्यक्ति लिख दिए गुना 15 दिन में 60 केजी नीचे चला जाएगा, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। अब कहता है कि 30 व्यक्ति 12 केजी बराबर दे दो, 30 व्यक्ति मैन हो गया गुना 12 किलो नीचे दे दो, कितने दिन में 12 केजी उपभोग कितने दिन में करेंगे, गुना D2, बस इसको सॉल्व करो आंसर पाओ। देखो ध्यान से, 12 पंचे 60, नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर ऊपर भी कट जाता है, 15 दूना 30, ठीक है, और इसको कटा लो ना, दू से इसको कटा लो, 5 8 40, दू से कटा लो, दू चो काट, जैसे कटाना आपको आपकी मर्जी है, जैसे आप कटा सकते हो फास्ट ही कटा लेना। D2 बराबर हो जाएगा आपका 4 दिन, आपका 4 दिन आंसर है, तो देखो 4 दिन आंसर है, 2 नंबर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वही एमडीएच का फॉर्मूला है आपके पास, 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में, यहाँ पे देखो दिन ही है और व्यक्ति है, एमडी का फॉर्मूला लगेगा, एमडी बराबर एमडी, तो 12 व्यक्ति गुना डी के जगह कौन बैठ जाएगा, 20 दिन बराबर। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति, हमको 15 दिन मिल रहा है और गुना आदमी चाहिए, एम टू लिख दिए, ठीक है। अब देख लो यहां से कटा लो, 5 3 15, 5 4 20, 3 4 12, 4 4 16, यानी कि एम टू बराबर हो गया 16, यानी कि 16 आदमी आपको लगाना पड़ेगा 15 दिन में करने के लिए, तो 16 आदमी हो गया आंसर, और आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, क्लियर है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 300 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सके तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकेंगे। आसान क्वेश्चन, वही एमडीएच का फॉर्म लगेगा, लेकिन यह आदमी दिया है और घंटा दिया है और मीटर दिया है, तो आपको क्या करना है, एमडी और देखो W1 W2, इस तरह से आपका फॉर्म बनेगा यहाँ पे, ठीक है, आपको सीखना तो यही पड़ेगा, मेन तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है, आदमी दिन मिला W1, देखो आदमी दिन घंटा के अलावा कुछ भी रहता है तो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, बार बार बोलते हैं ताकि जो स्टूडेंट को समझ में आए उसको अच्छे से समझ में आ जाए। 40 व्यक्ति है, मैन की जगह 40 रख दो, गुना डी, दिन कितना दिया, डी नहीं दिया घंटा दिया, तो इस घंटे को डी को हम लोग एच में समझ लेंगे, क्या समझ लेंगे हम लोग, एच में, ठीक है, इसको 1 1 दे सकते हो, इसको 2 2, अब देखो कितना घंटा दिया, घंटा दिया हमारा 6 घंटा, और कितना मीटर कर रहा है, 300 मीटर, W1 वो काम हो रहा है 300 मीटर बराबर। आगे बढ़ो, आगे कहता है कि 12 दिन में लंबी दीवार को 12 दिन में बना सके तो, अच्छा अच्छा 12 दिन भी दिया है, गलती, तो 6 गुना 12, हम पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं और आप लोग को इस तरह बता दिए, एम डी एच का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर एम डी एच, ठीक है, पूरा लग रहा बराबर। आगे पढ़ो, तो 12 दिन में कर सके तो बना सके, तो 30 व्यक्ति 8 घंटे, तो 30 गुना 8 गुना, और क्या मांग रहा है, कितने दिन में, तो D2, और मीटर तो दिया होगा, एक और मीटर होगा 200 मीटर, 200 लगा दिया, ठीक है, जब भी निकालने बोलेगा एक ही चीज निकालने बोलेगा, ठीक है, दो चीज नहीं निकल सकता है, तब आंकड़े अधूरे है, ज्ञात नहीं कर सकते, हो जाएगा। अब देखो 40 आदमी 6 घंटा 12 दिन, अब घंटा इधर है दिन इधर, उससे कोई मतलब नहीं है, अब यहां से कटा लो 0 0, कट जाएगा, कोई दिक्कत, अब कटने का तो आपका काम है, कैसे भी कटाओगे, आपका मोशन में जब कटना स्टार्ट होता है ना, एक गति में, तो जो जिससे कटे कटा लेना, टेंशन नहीं है, 0 0 ऐसे कटा लेते हो ना, कट गया तो कट गया। अब देखो 8 से कटा सकते हो, 4 2 8, कट गया तो कट गया, 2 2 कट गया, यहाँ कट गया, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, 3 से कटा लो 3 4 12, कितना हो गया 6 4 24, अब तो कुछ नहीं बचा है, D2 निकल गया, यहाँ पे 3 बचा है ना, यहाँ पे 3 बचा, 3 2 9 6, 4 2 9 8, मेरा 8 दिन मेरा तब आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान देना, कुछ अंक ना छूट जाए ना तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो 8 दिन आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, तो आसान है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 के बाद 31।
देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिन में पूरा करे तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकेंगे। अब परेशानी यह हो गया कि 3/5 का कैसे करें, ठीक है कुछ नहीं करना, वैसे करो जैसे आपको सिखाए हैं, 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिन में, तो देखो 12 × 10 तो ऊपर लिख देना क्योंकि ये आदमी और ये दिन जो भी रहा MDH का फॉर्म है, उसके अलावा कुछ भी रहेगा कहां लिखोगे, उसको नीचे लिखना होगा 3/5 यहां पे लिख दिए फिर बराबर दे दिए। आगे पढ़ते तो कहता है क्या क्या कहता है तो कितने व्यक्ति, तो हमको M2 तो निकालना पड़ेगा, कितने व्यक्ति आगे बढ़ जाओ पूरे कार्य को 20 दिन में, तो 20 दिन यहाँ लिख दो और बटे आप देखो पूरे कार्य, पूरा कार्य कितना 3/5, तो पूरा कार्य एक कार्य होगा तो एक लिख दो यहाँ पे, ठीक है सॉल्व करो आंसर पाओ। सॉल्व कैसे करोगे आप देखो ये 5 ऊपर चल जाएगा, ये 5 हमारा ऊपर चल जाएगा तो ले जाना ऊपर, 10 × 20 कटा लिए 20 हो जाएगा, आप देखो 3 × 12 कट जाएगा और ये 5 ऊपर चल जाएगा, तो हम लिख सकते 4 × 5 बराबर M2 × 2। देखो यहाँ कटा सकते थे हम ऐसे, यहाँ कटा लो 2 × 4 5 × 10 10 दिन, ठीक है देखो आपका जिस तरह मोशन बने उस तरह से आप कटा लेना, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, एक नंबर आपका ऑप्शन है, ठीक है बहुत। अब देखो हम कटाने में क्या किया, इस तरह से कटा, आप इस तरह भी कटा सकते थे 2 × 4 2, अब 5 ऊपर जाएगा तो गुना होगा 5 × 10 क्लियर है, तो ऐसे बना सकते हैं 10 दिन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि NCC के एक कैंप में 300 कैडेट के लिए 22 दिनों तक के लिए भोजन पर्याप्त था, परंतु ठीक पहले ही दिन कुछ और कैडेट आ गए, वह भोजन सिर्फ 20 दिनों में समाप्त हो गया, बाद में कितने कैडेट आए। देखो बात को समझो, क्वेश्चन बहुत आसान होता है इस तरह का, क्या कहता है कि पहले था कितना आदमी, 300 कैंडिडेट था, 300 आदमी था, उसका भोजन सामग्री कितने दिन का लिया था, 22 दिन का, तो ये अपना एक आंकड़ा बना के रखा था कि 300 आदमियों के लिए भोजन है 22 दिन के लिए, हम बराबर दे दिए। अब हुआ घटना क्या घट रहा है कि कुछ दिन के बाद क्या कहता है 22 दिन का था, परंतु ठीक पहले ही दिन, अब देखो पहला फर्स्ट ही दिन हो रहा है काम, ठीक है तो पहला ही दिन क्या हुआ, कुछ और कैंडिडेट आ गए, तो कुछ और आएगा तो 300 में प्लस एम कर दो, एम मतलब मैन, कुछ आया होगा हमको पता नहीं कितना आया होगा, ठीक है इसको ब्रैकेट में लगा दो, आ गया ना, तो क्या हुआ कि भोजन सिर्फ, अब देखो 22 दिन चलना था तो क्या हुआ अब 20 ही दिन चलेगा, 20 दिन में समाप्त हो गया, गुना 20, बात बराबर हो गया, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो, हम इसको कटा सकते हैं यहां से, 0 से 0 कटा लो, 2 से कटा लो 15, ठीक इसको गुना कर लो, 15 × 30 की 0 हासिल 3 हो गया, 15 × 30 = 33, 330 बराबर 300 प्लस एम, ये 300 इधर आएगा तो घट जाएगा ना, तो एम बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 30 मेरा 30 है आंसर, 30 है तीन नंबर, ठीक है तो 30 हो जाएगा आदमी, एम तो लिख ही दिए ना, तो 30 लिख लो आंसर, ऐसे बना सकते हो आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर सवाल कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि यदि 20 आदमी एक काम का 1/3 भाग 20 दिन में पूरा करते हैं तो बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए और कितने आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आदमी और दिन को ऊपर लिख लो, 20 आदमी कितना दिन, 20 दिन कितना काम, काम नीचे W1 W2 नीचे बताए थे कितना काम कर रहा है, 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है बराबर दे दो। आगे कहता है कि बचे हुए काम को, बचा हुआ काम क्या होगा, देखो ये काम 1/3 किया ना, किसमें, एक काम में, एक पूरा काम में 1 − 1/3 करोगे तो 3 × 3 में जाएगा तो क्या बचेगा 2/3, यानी कि यहां पर जो मेरा होगा 2/3 बचा हुआ काम, ये हुआ, ये क्या हुआ मेरा बचा काम, ठीक है ये आपको दिमाग लगाना यहाँ पे। अब समझो अगर 2/3 बचा काम हो रहा है तो कहता है कि 25 दिन में पूरा करने के लिए और कितने आदमी, और कितना आदमी लगाना होगा, एक्स्ट्रा आदमी की बात कर रहा है, कितना दिन में, तो हम यहाँ पे M2 लिख देते हैं गुना 25 लिख देते हैं। देखो एक्चुअली ये 3 तो ऊपर जाएगा, ये भी 3 जाएगा, तो कटेगा ये ऊपर में जाके, तो यही कट दो ऐसे, ठीक है और 5 से कटा लो, 5 × 6 = 25, 5 × 20, 5 × 20 4 × 16 2 × 32, यानी कि M2 का मान आया 32, तो अतिरिक्त आदमी और आदमी कितना लगाया, और आदमी लगा था 32 − 20, पहले 20 था अब 32 लगा, तो ज्यादा कितना लगा, तो कितना लगा 12 ना हो गया ना, तो 12 आपका 2 नंबर आंसर हो गया, क्लियर है ऐसे बना सकते हो, 33 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर सवाल तो कहता है कि यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है क्या नहीं बढ़ेगा,
आप वीडियो रोको और खुद बना के देखो बनता है या नहीं। बिल्कुल आप बना सकते हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही है एमडी वाला फॉर्म, देखो 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में, तो 42 गुना 15 ठीक है कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति बराबर वही काम को 30 व्यक्ति से करवाना है, और कह रहा है कि इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। D2 देखो अतिरिक्त आदमी तो नहीं बोल रहा है ना, कितने दिन में इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दिन ही निकालना है, अतिरिक्त नहीं निकालना है, टेंशन खत्म। 15 दूना 30, दो से कटा लो, दो से कटाओगे तो दो और एक 21, 21 आंसर होना चाहिए ठीक है। तो 21 दिन आपका हो गया, सी नंबर आ गया आंसर। क्या प्रॉब्लम हुआ इस क्वेश्चन में 34 नंबर में? हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर आपको हो रहा है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम है। शुरू से देखो वीडियो, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 नंबर सवाल का था कि एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद थी, 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए, तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? एक काम करो ना, इस क्वेश्चन को जो बचा है भी उसके बारे में सोचो, जो चला गया वो चला गया। 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद थी, हम पहले 750 गुना 45 लिख दिए ठीक है, ये आदमी और दिन लिख दिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 10 दिन के बाद, इसका मतलब 10 दिन के बाद तो 10 दिन तो खा लिया होगा ना खाना पीना, तो यानी कि 10 दिन के बाद जो कुछ हुआ तो यहाँ पे -10 कर दो ठीक है, जो बचा है अभी उसका बात करो, तो ये हमारा -10 हो गया। आगे क्या कहता है, कुछ तो घटना घटा है 10 दिन बाद, 125 सैनिक चले गए, तो बराबर 750 -125 चला गया तो चला गया ठीक है, इधर भी कम हो गया तो उधर भी कम हो गया चला गया, तो शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त थी? गुना D2, अब इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, तो 750 गुना, अब देखो इसको घटा लो 45 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 35, 35 और 10 होता है 45, तो 35 हो जाएगा बराबर, इसको घटा लो 750 में 125 जाएगा तो कितना बचेगा 50 में 25 जाएगा तो 25 बचेगा, और 700 में 100 जाएगा तो 100 जाएगा तो 625 लिख दो, और गुना D2 लिख दो। अब देखो आप इसको कटा सकते हो तो कटा लो, 5 से कटाओ ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 से 35 होता है और 25 पंचे 625 होता है ठीक है, 25 तिया 75 होता है, 0 बैठा लो, 7 तिया 21 210, D2 का मान क्या हो जाएगा, गलती फिर हुआ है, तो शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी ठीक है, कहीं गलत हुआ आएगा, 625 गलत हुआ तो यहाँ कटाने में हमको 5 से कटाना था, देखो 5 से 35, 5 का 5 एक बचा, 25 पंचे एक, 5 का 5 12 हो गया, 5 दुना 10 25 125 होगा, गलती हो गया था। अब देखो यहां से इसको कटाया, इसको कटा लो, 5 से ही कटा लो इसको ठीक है, 25 से कटा लो, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, ये हो जाएगा 5 6 30, 6 7 42, 42 दिन आंसर होगा। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, इसके लिए रियली सॉरी, इतना टाइम आप मैनेज कर लेना, 35 का 42 दिन आंसर हो सकता है 4 नंबर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, कभी कभी गलतियां फ्लो मोशन में हो जाती है, उसके लिए रियली सॉरी, चलो समझ जाना। 36 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है, 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी, कितने व्यक्ति किले में और आ गए ठीक है, हम इसको बनाएंगे कैसे? तो देखो जो चला जाता है ना उसको माइनस कर देना, 2000 व्यक्ति है तो 2000 लिख दिए ठीक है, और क्या कहता है 2000 व्यक्ति के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है, गुना 54 ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला है 15 दिन पश्चात, तो देखो अब था तो 15 दिन पश्चात, इसका मतलब 15 दिन तो 2000 आदमी उसका यूज क्या होगा, तो जो बचा है उसका ना कम होगा, तो 15 दिन इसका घटा लो ठीक है। अब आगे कहते हैं पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, बराबर 2000 में और अधिक व्यक्ति का मतलब क्या हो जाता है, कुछ आदमी आ गए हमको पता नहीं, 2000 प्लस एम कर दिए ठीक है, तो केवल 20 दिन ही चल सका क्या, तो भोजन सामग्री 20 दिन, तो गुना 20 ठीक है, ये लिख लो। अब कहता है कि कितने व्यक्ति किले में और आ गए, सॉल्व करो आंसर पाओ, 2000 गुना 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, 39 हो जाएगा, क्लियर है? देखो घटाने में गलती नहीं करना ठीक है, सबसे गलतियां हो जाती है, और बराबर 2000 प्लस एम
गुना बीस, ठीक है। देखो इससे ना इसको कटा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 20 से कटा लो ना, 20 एक का 20, 2 जीरो 100, ठीक है। इसको गुना कर लो, 3900 बराबर 2000 प्लस एम, ठीक है। एम बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 2000 बराबर हो जाएगा 1900, मेरा आंसर हो जाएगा कितना आदमी आ गया 1900। मेन कहाँ दिक्कत है, क्वेश्चन तो आ गया, आंसर आ गया मेरा, जल्दीबाजी बन गया। चलो तो इस तरह का सवाल देख के डर लगता था, लेकिन देखो कुछ है नहीं, बस जो कह रहा है वो करते जाओ, आपका आंसर आना ही आना है। कॉन्सेप्ट इज ए पावर, कॉन्सेप्ट अगर सीख लेते हो ना तो फटाफट बनता है। अगला क्वेश्चन 37, देखो 37 नंबर सवाल, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। एक सैनिक कैंप में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद का प्रबंध है, यदि 15 दिन बाद 25 सैनिक कैंप से चले जाए तो इसी दर से रसद कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन बन चुका है, आपसे पता है मुझे, क्योंकि आप सीख चुके हैं। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, देखिए नहीं बनेगा तो बोलना मुझे, ठीक है। एक सैनिक कैंप में कितना आदमी है, 150 सैनिक है और 45 दिन का भोजन है, तो 150 गुना 45 MD बराबर MD हो गया, आदमी दिन हो गया। कहता है कि 10 दिन पश्चात, 10 दिन के बाद कुछ हुआ, तो अब जो 10 दिन वो लोग खाना खाया होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो वो 10 माइनस कर दो, बराबर कर दो। अब कहता है कि बात 25 सैनिक कैंप से चले गए, तो चला गया, तो 150 में 25 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो लिख देते माइनस 25, ठीक है, ये हो गया। अब कहता है चले गए, तो अब कहता है 25 सैनिक कैंप चले गए, कितने दिन तक चलेगा, वही भोजन कितना दिन, D2 निकालना, ठीक। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर लो ना, आंसर आ जाएगा 150 गुना फिर वही 35 गुना बराबर 150 में 25 जाएगा। ये सवाल पिछले सवाल के जैसा ही है, नहीं, ठीक है। 150 में 25 जाएगा क्या बचेगा, 125 गुना D2, ठीक। 25 देखो 5 से कटा लो, 25 से कटा लो, 25 पंचे 125, 25 छके 150, 5 सते 35, 6 सते 42, 42 दिन मेरा आंसर आ गया, कोई चेंजिंग नहीं, एकदम एक ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन कहता है कि 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 व्यक्ति ने 12 दिन काम किया, इसके बाद 8 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो गए, शेष काम को वे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे बेहतरीन लगेगा, फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट तो वही बताऊंगा, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो धैर्य रखिए, अगला जो आपको मिलेगा टाइम एंड वर्क चैप्टर वहां पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो एक बात को समझो, अगर कोई काम कर सकता है 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना निकलेगा पता है। देखो जब भी आपको दिन रहे और उसका काम करने का दिन रहे और आदमी की संख्या रहे ना, दोनों को गुना कर देना। क्या बोल रहे हैं, 14 व्यक्ति है 16 दिन है, अगर हम 14 गुना 16 कर देंगे ना तो मेरा टोटल वर्क निकलेगा, क्या निकलेगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो जाएगा 16 चौके 64 की 4 हासिल 6 हो जाएगा, 16 का 16 और 6 22 हो जाएगा, 224 मेरा टोटल वर्क हुआ। अब कहता 8 व्यक्तियों ने 12 दिन काम किया, 8 व्यक्तियों ने 12 दिन काम किया, तो 8 गुना 12 कर दो, कितना काम किया, वर्क किया, डन हुआ इतना 12 96, तो शेष काम कितना होगा, माइनस कर दो, ये हमारा शेष वर्क होगा, शेष काम बच गया 14 में 6 जाएगा 8, ठीक है, और 11 में 9 जाएगा 2 और 1, 128 यूनिट मेरा बचा हुआ है, ये आपको समझना है, ठीक है। ये जो टोटल वर्क होता है ना, ये यूनिट में होता है, मैं बताऊंगा टाइम एंड वर्क जब पढ़ाऊंगा, फिलहाल ऐसे समझो भी। अब जब शेष काम 128 यूनिट बचा है, तो अब क्या कहता है कि 8 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो गया, देखो 8 व्यक्ति ने 12 दिन काम किया, ठीक है, और 8 आदमी और शामिल हो गया उसके साथ, तो पहले 8 आदमी था और 8 आदमी चला गया, तब कितना आदमी हो गया, 8 आदमी था और 8 आदमी चला गया, तो 16 आदमी हो गया ना, तो 16 आदमी कितना कम करना है, 128 यूनिट करना, तो 16 आदमी किस तरह करेगा, तो 128 को 16 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, 16 28 से, यानी कि 8 दिन में काम खत्म कर देगा मेरा, 8 दिन ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये चीज आपको हो सकता है समझ में ना आए, जैसे कि मैं बताऊंगा कि एक किसी काम को 3 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क नहीं रहा, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसका एक एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का क्षमता, यानी कि 3 चौक 12 4 3 12, ये 4 3 7 यूनिट काम करेगा, और इस चीज को भाग देंगे ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप का कमिंग सुन है, जल्दी टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर,
देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि यदि 35 घोड़ों के लिए 54 kg अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 72 kg अनाज कितने दिन के लिए समाप्त होगा। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो भाई इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, इस तरह का कितना क्वेश्चन हम बना दिए हैं आपका। देखो आदमी दिन घंटा तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आदमी है और दिन है, तो घोड़ा का काम कर रहा है ना, एक कर्ता की तरह है ना, सब्जेक्ट की तरह है ना, तो घोड़ा यहाँ पे मैन का काम कर रहा है, यानी कि आपको घोड़ा को ले लेना है 35, ठीक है। और वो करता है कितना, 21 दिन में खाता है 54 kg अनाज, तो 54 तो नीचे चला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, 54 kg, और गुना हो जाएगा यहाँ पे क्या, 21 दिन, तो 21 फिर बराबर दे दो। आगे कहता है क्या कि 28 घोड़ों के लिए 72 kg, तो 28 बटे 72 नीचे, क्यों केजी नीचे जाएगा, और कहता है 28 घोड़ों के लिए 72 kg कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो D2 इसको बना लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कटाओगे इसको, सत्या कैस सात चौकौट 28, ठीक है, और कटा लो इसको, कटा लो, देखो 27 × 54 होता है और 36 × 72 होता है, ठीक है, 9 × 27 9 × 36 ये हो गया मेरा। अब देखो ये 3 3 कट गया, ये 4 4 कट गया, तो मेरा 35 आंसर आ रहा है, और 35 आपका एक नंबर आंसर है। देखो कटने का, देखो जैसे जो माइंड में जो आपका आ जाए ना, उस तरह से ही कटा लेना, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचना कि हम जिस तरह कटा रहे हैं आपको भी वैसे कटाना, ठीक है, एक फ्लो मोशन में जब चलोगे तो खुद कटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। हाँ यही होता है, कभी जल्दी कटेगा तो कभी आपका लॉन्ग से कटेगा, ठीक है। तो चलिए 39 के बाद 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि यदि 18 जिल्दसाज, है ना, जिल्दसाज 10 दिन में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए तो 600 पुस्तकों पर 12 दिन में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ा सकेंगे। देखो जिल्दसाज एक करता है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला एक आदमी है, ठीक है, तो 18 जिल्दसाज 10 दिन में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाता है, तो 18 आदमी हो गया वो जिल्दसाज काम करने वाला, 10 दिन गुना 10। अब देखो जिसके अलावा आदमी दिन घंटा के अलावा जो कुछ भी रहे उसको कहाँ लिखना है, नीचे फिलहाल लिख दो, ठीक है, ये MDH के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि 660 पुस्तकों पर, तो 660 नीचे चला जाएगा, ठीक, पुस्तकों पर 12 दिन में कितने जिल्दसाज, तो 12 × D2 कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 0 0 कटा लो, 6 × 9 = 12, 6 × 3 = 18, 2 × 5 = 10, ठीक, 5 से इसको कटा लो, 5 × 8 = 40, 18 × 5 = 90, ठीक है, और किसे कटाओगे, 6 से कटा लो, 11 × 6 = 66, और 6 × 3 = 18, 3 3 कट गया, क्या बचा 11, यानी कि D2 बराबर 11 दिन। देखो बार बार बोल रहा हूँ, आप जैसे कटा सकते हो, ठीक है, मेरा फ्लो इस तरह चला तो हम इस तरह कटा लिए, एक जब स्टार्ट होता है कटाने का ना, तो एक रेशियो में जैसे जैसे जो जो कटते जाता है कटा दे जाते हैं, कभी लॉन्ग से कटता है कभी शॉर्ट कटता है, वो आपके मायने है, आपके कैलकुलेशन कितना फास्ट है, ठीक है। तो 11 दिन आंसर आया, कैसे कटाए, 0 0 कटा लिए, ठीक है, यहाँ यहाँ इसको कटाए, इसको इसको कटाए पहले, उसके बाद जो आया इसको कटा लिए, फिर कटा के आंसर ले आना, चलो क्या इसमें बताना। चलिए 41 नंबर देखते हैं। देखिए 41 की सवाल की बात करें तो कहता है कि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन, आपको करना क्या है, सोचना ये चीज है कि कितना 18 पंप है तो 18 लिख दिए, कितना घंटा है 7 घंटा है, घंटा 7 लिख दिए। आगे देखो कहता है क्या 2170 टन, देखो आदमी दिन घंटा के अलावा जो कुछ भी रहे नीचे लिख दो 2170, ठीक है, और उसके बाद कहता है क्या 10 दिन में निकाल सके तो गुना 10, फिर बराबर, आगे फिर बोलेगा आपको 16 पंप 9 घंटा 16 × 9, फिर आगे बोलेगा कितना 1736 टन पानी, तो नीचे चल जाएगा 1736 टन पानी, फिर बोलेगा कितने दिन में निकाल सकेंगे तो गुना D2, इसको सॉल्व करो आंसर पाओ। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, ये 0 और ये 0 कटा लो, ठीक है, और 9 से कटा लो, 9 × 2 = 18, ठीक है, 2 × 8 = 16, ये कट जाएगा आपका। अब देखो ये कटेगा, कैसे कटेगा, देखो 7 को किससे गुना करेंगे, 6 आ जाए, ठीक है, तो 7 × 7 इस तरह पढ़ोगे ना, 7 × 8 = 56 × 6 = 5, 8 × 12 में हो रहा है ना, 8 × 7 = 56 × 5, 8 × 8 = 13 × 3 = 1, 8 × 9 = 10, 8 × 7 = 56 = 5, 8 × 8 = 13 = 1, 8 × 9 = 16, 8 × 9 = 17, ठीक है, तो यानी कि ये 8 बार में कट गया,
ठीक है, पता लग गया कि 8 बार कट रहा है, यही 8 8 कट गया, ठीक है, क्या बचा, 7 7 मेरा हो जाएगा, यानी कि 7 दिन आंसर हो गया, समझे। तो इस तरह से बना सकते हो। चलिए 41 नंबर के बाद 42 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 42 की बात करें तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप बना सकते हैं आसानी से। कहता है कि यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, यहाँ पे चेंज हुआ है थोड़ा सा बात। 5 इंजन 9 घंटा, तो हम तो जान गए कि इंजन भी काम करेगा आदमी की तरह, ठीक है, तो वही 5 MDH के फॉर्म में गुना 9, ठीक, बटे कहता है क्या 6 मीट्रिक टन, जो चीज आदमी दिन घंटा का लगा रहे हैं 6 डाल दो बराबर। आगे कहता है तो 8 इंजन 10 घंटे, 8 × 10, ठीक है, बटे, ठीक, 10 प्रतिदिन कार्य करने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, एक्स कोयले की खपत करेंगे, एक्स डाल दो, ठीक है, करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार ये था इंजन, इंजन इसको गुना 3 कर दो, 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन, गुना 4 कर दो, ठीक है, बस ये काम है। इससे डरना नहीं है आपको, इंजन इंजन की जगह बैठाना है, ठीक है, यानी कि वो सॉरी इंजन इंजन की जगह नहीं, ये जो मान जाएगा ना कि हमारा कहता है कि पहली प्रकार को जो इंजन है वो 3 इंजन उतनी खपत करता है जितना कि 4, तो ये सारा चीज नीचे आएगा। आपको यहाँ पर वही फॉर्मूला रखना है, MDH, इसके अलावा कुछ भी आ जाए नीचे रख देना, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो, तो यहाँ पे चूंकि मशीन इंजन दिया है तो 5 काम का तो कर रहा है, वही 5, तो इसी को सॉल्व कर लो, देखो कैसे करोगे, कटा लो इसको, 5 × 2 = 10 कट गया, ठीक है, जितना फास्ट का फास्ट कटा लो, 2 × 2 = 4, ये 2 × 3 = 6, ठीक है, और कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा। अब क्या करो, इसको गुना कर लो, 3 × 3 = 9, अब उधर चले जाएगा 9, यहां से देखो कट रहा है 9 9 कट रहा है, 3 × 3 = 9 कट गया ना, तो x की वैल्यू क्या आया, x बराबर क्या आया, 8 मीटर टन आंसर हो गया, मिलियन टन ये जो रहा हो, ठीक है, ये मैट्रिक टन, 8 मीट्रिक टन होगा आंसर, क्योंकि यहाँ 3 × 3 = 9 9 कट जाएगा इस तरह से, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हो जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन के जैसा है ना, आप बना सकते हो, देखो कैसे बनाओगे, ठीक है। हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले जो बोला गया है कितना, 9 इंजन 8 घंटा प्रतिदिन, तो 9 लिख दो, उसके बाद 8 घंटा है ना, गुना 8 लिख दो, 9 × 8, क्योंकि इंजन भी तो काम कर रहा है, आदमी भी तो काम करता है, उसी तरह से ये इंजन हो गया, ठीक है, करके कहता है 24 मीट्रिक टन, नीचे 24 लगा दो बराबर, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब कहता है खपत करता है 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे, तो 8 इंजन × 13, ठीक है, 13 घंटे प्रतिदिन रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हो जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो देखो कितना इंजन खपत करेगा, हमको पता नहीं, तो एक्स डाल दो, और उसी तरह से यहां पर पहले बोल रहा है पहले प्रकार का कितना 3 इंजन और दूसरे प्रकार का 4 इंजन, और इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना काफी आसान है, 8 8 कट जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप कटा लो, कैसे कटाओगे, तो 3 से कटा लो, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 4 × 2 = 8, दूसरी तरफ गुना कर दो, 13 × 2 = 26, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 26 मीट्रिक टन, ठीक है। देखो आपको कटाने का प्रोसेस पता होना चाहिए, आप जैसे कटाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 43 के बाद 44 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। तो आंसर 44 नंबर वही है, आपको कैसे निकालोगे, देखो 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में, तो आदमी और क्या, दिन को ऊपर रखो 3 × 49 मीटर, नीचे रख दो बराबर लगा दो। आगे क्या कहता है, ये कहता है कि 20 व्यक्ति 6 दिन में, तो 20 × 6 × m2,
ठीक है, यानी कि कितना मीटर, कितनी लंबी दीवार बना सकेगी। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे कटा हुआ, तीन दूना छ, ठीक है, पांच चौक बीस, पांच सते पैंतीस, सते सते उनचास, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस दूना छप्पन, छप्पन मीटर मेरा आंसर होगा, ठीक है, और छप्पन मीटर है तो दो नंबर आंसर हो गया। चलिए 44 के बाद लास्ट क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। आसान क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है, बना लो 24 मजदूर 7 दिन, प्रतिदिन 7 घंटा, तो 24 गुना 7, ठीक है, 7 घंटे कार्य करके खाई को 18 दिन में, गुना 18, ठीक है, MDH के फॉर्म में बैठ गया। उसके बाद कहता है तो कितने मजदूर 9 घंटा, तो कितना मजदूर नहीं पता है, M2 गुना 9 घंटा गुना 9, और 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके खाई को 16 दिन में खोद सके, तो गुना 16 दे दो। अब इसको कटा लो, कैसे कटाओगे, देखो देखो 9 दुना 18 कट गया, ठीक है, और 8 तीय 24, 8 दुना 16 ये कट गया, ठीक, और ये दो दो तो कट ही जाएगा, ठीक है, 27 तो आंसर होगा 21, 21 मजदूर मेरा आंसर हो गया, ठीक है, और 21 मजदूर है आंसर, तो 21 एक नंबर ऑप्शन हो गया, तो द इंड हो गया। देखो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हुए 45 तक क्वेश्चन आपको क्लियर किए सगीरा मत का, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बेसिक से है ये आपका, और यहाँ से आपका सारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखो जो भी बुक स्टार्ट करेंगे ना, SD यादव का सोच रहे हैं इस बार करने का, या फिर हाँ SD यादव भी रहने तो अच्छा रहेगा, और इसके बाद टाइम एंड वर्क भी देखेंगे इसी चैप्टर इसी किताब का। आपको क्या करना है, नीचे आई बटन, सबसे पहले आई बटन चेक कर लो, वहाँ नहीं मिले तो आप क्या करना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे चेक कर लो, वहाँ से आपको टाइम एंड वर्क का चैप्टर मिलेगा। तो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको मेरी इस वीडियो से कितनी हेल्प हो पा रही है। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना हो जरूर करना। गुड बाय।